दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा कंट्री बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ 2 साल के अंदर आपको पासपोर्ट इशू करता है। आपने सिर्फ 2 साल लीगल स्टे करना है इस कंट्री में और ये आपको पासपोर्ट ये कंट्री दे देता है। और इस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आता है, दुनिया के 18वें नंबर के अंदर इसका पासपोर्ट आता है स्टार्ट से। हमारा पाकिस्तान के भी 2nd नंबर पर आता है लेकिन वो नीचे से आता है। गाइज आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बनाने जा रहा हूँ एक साउथ अमेरिकन कंट्री के हवाले से। और इस कंट्री के आप पासपोर्ट सिर्फ 2 साल के अंदर आप हासिल कर सकते हो। आपका चालो किसी भी देश से हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि ज़िशान पे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ आए रोज़ अपने पासपोर्ट अप्लाई करने की जो लिमिट है वो बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 5 साल होती थी, अब 6 साल, फिर 7 साल, 8 साल, इवन के 10 साल हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में हमें आप प्लीज़ कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसका पासपोर्ट हम सिर्फ फास्ट ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको जिस कंट्री का बताने जा रहा हूँ इसका पासपोर्ट आप 2 साल के लीगल स्टे के बाद आप हासिल कर सकते हो। ये कौन सा कंट्री है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका और कैसे आपने इसका पासपोर्ट हासिल करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कंट्री है साउथ अमेरिका का, नाम है इसका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का पासपोर्ट दुनिया का 18वें नंबर का पासपोर्ट है और ये एक दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट है। आप अर्जेंटीना के पासपोर्ट पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर अर्जेंटीना का पासपोर्ट आप हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 साल तक अर्जेंटीना में स्टे करो। ये 2 साल कौन से 2 साल काउंट होंगे? ये 2 साल वो वाले काउंट होंगे जिसमें आपने वहाँ पर जाकर काम करना है, या अगर आप स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो तो तभी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो भाइयों, अर्जेंटीना गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप 2 साल लीगली स्टे करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो बैचलर्स डिग्री के लिए या मास्टर्स के लिए, या आप वहाँ पे काम करने के लिए जाते हो, दोनों सिनेरियों में आपने 2 साल लीगल स्टे करना है अर्जेंटीना में। और 2 साल का जब आपका लीगल स्टे कम्प्लीट हो जाता है अर्जेंटीना के अंदर और आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होता, आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मैनेज हैं, क्लियर हैं, तो आप अर्जेंटीना का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो 2 साल के अंदर अंदर। और अब अर्जेंटीना का पासपोर्ट तो आप 2 साल के में अप्लाई कर लोगे, लेकिन अब अर्जेंटीना जाने का क्या प्रोसेस होगा, आप कैसे अपनी ये जो आपकी ये स्टोरी होगी या सफ़र होगा, आप कैसे स्टार्ट करोगे? देखो भाइयों, अर्जेंटीना के अंदर बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल फॉरनर वर्कर्स को हायर करती हैं। अर्जेंटीना में इस वक्त बहुत जो सबसे ज़्यादा काम है वो है गाइस कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, उसके बाद टीचिंग का जो काम है। अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक हो और एज ए टीचर आप काम कर रहे हो किसी भी देश में या किसी भी स्कूल कॉलेज में, तो आप टीचिंग की जॉब अप्लाई करके आप अर्जेंटीना जा सकते हो। ये जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। इसके बाद आती है होम केयर की जॉब, जो कि बूढ़े लोगों की होम केयर के अंदर आपको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट के अंदर भी यहाँ पे जॉब्स वगैरह आती हैं। अर्जेंटीना क्योंकि साउथ अमेरिका का कंट्री है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेनिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत बोलते हो, अगर आपको रिसेप्शन के ऊपर या होटल मैनेजमेंट के कामों में कोई जॉब चाहिए तो। और यहाँ पे गाइस अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप ये समझ लो कि मिनिमम सैलरी इस वक्त अर्जेंटीना में जो मिलती है वो $750 से स्टार्ट होके, और एक अच्छी सैलरी फॉरनर्स लोगों को जो मिलती है वो तकरीबन 1500-1800 अमेरिकन डॉलर के अंदर मिलती है। तो सैलरी अच्छी है, अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करो तो ये तकरीबन कोई 2-3 गुना ज़्यादा सैलरी है। तो आप अच्छे पैसे भी अर्न कर सकते हो और 2 साल के लीगल स्टे के बाद आप यहाँ का पासपोर्ट भी ले सकते हो। तो वो मेरे भाई जिनको पासपोर्ट चाहिए इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, वो अपने कंट्री को लीव करके अपनी नेशनलिटी छोड़ के कोई दूसरी नेशनलिटी अडॉप्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अर्जेंटीना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जो स्टूडेंट्स ज़रा जाना चाहते हैं, जिन जो काम नहीं करना चाहते, तो वो अर्जेंटीना की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर अर्जेंटीना स्कॉलरशिप भी अनाउंस करती है, और अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के डिग्री आप वहाँ पे जाके ले सकते हो, या इसके अलावा डॉक्टरेट की मेडिकल की फील्ड में आप पढ़ने के लिए जा सकते हो। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको वेलकम करती हैं, और अगर आप पढ़ने के लिए जाओ या काम करने के लिए जाओ तो आप अर्जेंटीना में जाके 2 साल स्टे करो और उसके बाद आप अर्जेंटीना का पासपोर्ट अप्लाई कर दो। तो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, और 2 साल का टाइमलाइन को इतना बड़ा टाइमलाइन नहीं है, खासकर उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो सिर्फ पासपोर्ट की लालच के अंदर यूरोप में 10-10 साल बिता देते हैं कि हमें एक अच्छा पासपोर्ट मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। तो अर्जेंटीना का पासपोर्ट भी कोई इतना वीक नहीं है अगर आप कंपेयर करो अपने कंट्रीज़ के पासपोर्ट से। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको उन भाइयों के लिए जो पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं किसी बेहतर कंट्री का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ज़िशान आसिम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।